गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द चैप्टर सेकंड एंड पार्ट सेकंड द पेपर बोट। तो बेटा हमने सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो सी लाइक द कॉलोनी, इट वाज अ वेल केप्ट कॉलोनी विद बिग एंड मैग्निफिसेंट हाउसेस। द ओनली थिंग दैट शी डिड नॉट लाइक अबाउट द एरिया वाज दैट शी हैड नॉट बीफ्रेंडेड एनी वन हियर। बेटा उसकी जो आपने पहले स्टेंज में क्या पढ़ा था कि उसके पिता का ट्रांसफ़र हो जाता है हैदराबाद से, तो बेटा वो नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिस कॉलोनी में वो रहती होती है उसे वो लाइक कॉलोनी बहुत पसंद आती है, क्योंकि बहुत ही वो अट्रैक्टिव थी, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही शानदार घर था वो, जहाँ पर वो कॉलोनी थी जहाँ पर वो रह रही थी। बस उसे वो एक चीज़ ही नहीं पसंद आती, क्योंकि उसे कोई भी फ्रेंड अभी तक नहीं मिला था जिसके साथ वो अपनी बातें शेयर कर सके, अपने विचार आदान प्रदान कर सके, उसे बात कर सके, अपनी फ्रेंडशिप कर सके। ठीक है, सो ही रिमेम्बर्ड हर फ्रेंड्स इन हैदराबाद। तो उसे वो याद आता है कि वो कैसे जहाँ पर वो प्रीवियस जगह में रहती थी हैदराबाद में, और उसके दोस्त हुआ करते थे, वो कैसे उनके साथ वो समय बिताया करती थी, ये सारी चीज़ें उसे अब याद आती हैं। ठीक है, ही फेस ऑलवेज सॉरी She had seen only a one boy and in the vicinity. मतलब इसका मतलब होता है नेबरहुड। बेटा पड़ोस, उसको खाली एक बच्चा दिखाई देता है उसके पड़ोस में, जो एक लड़का है छोटा सा। ठीक है, His face always remained serious. His eyes always shone like a embers. वो चमकीली चिंगारी की तरह उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी। She wanted to befriend him. वो उसके साथ दोस्ती करना चाहती थी, बट वो उसके व्यवहार से डरती थी। बट ही शी वॉज अफ्रेड टू ऑफ हिज डेमनर, मतलब उसके व्यवहार या आचरण से डरती थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।